भारत इस साल पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। यह दिन चंद्रयान 3 मिशन की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल 23 अगस्त को भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान उतारा था, जिसके बाद भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। यह दिन भारत के लिए काफी खास रहा था। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के सिंबल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था, जिसके बाद इस साल पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए देश भर में पहले नेशनल स्पेस डे को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही स्कूलों कॉलेजों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। आइए जानते हैं कि पहली बार मनाए जा रहे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या है और इस दिन क्या क्या खास होने वाला है। इस साल के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर एक खास थीम रखा गया है। दरअसल इस बार का थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा, यानी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, जो समाज और प्रौद्योगिकी पर अंतरिक्ष रिसर्च के गहरे प्रभाव पर जोर देता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष रिसर्च के समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को उजागर करना है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। उन्होंने बताया कि यह न केवल उत्सव का दिन है बल्कि भविष्य के लिए चिंतन और योजना बनाने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 5 गुना बढ़कर लगभग $44 बिलियन हो जाएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने के लिए पिछले एक महीने से आपको बता दें कि देश भर में 1000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस उत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक चैलेंज का भी आयोजन किया गया था। बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने भी चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की मान्यता में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए गए इस मेगा इवेंट में सार्वजनिक भागीदारी को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए इसरो की भी खास तैयारी है। इस मौके पर वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करेंगे। वो बताएंगे कि कैसे इस परियोजना की शुरुआत की गई थी और कैसे ये परियोजना ने सफलता प्राप्त की। इसरो ने बच्चों में साइंस और स्पेस के बारे में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कई तरह की खास प्रतियोगिताएं आयोजित की है। साथ ही 23 अगस्त को अंतरिक्ष मिशनों, उपग्रहों और रॉकेटों पर भी खास बातचीत की जाएगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भी लाइव किया जाएगा। यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा को देखने, उपलब्धियों का जश्न मनाने और भविष्य की उपलब्धियों की आशा करने का एक अनूठा अवसर होगा। इस कार्यक्रम को आप इसरो के यूट्यूब चैनल के साथ साथ डीडी न्यूज पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।